100 डेज ऑफ ईटिंग सीरीज में एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो भाई आज हम आज पहुंचे हैं सोडी नान वाले के पास। इनमें भी ऐसा क्या स्पेशल होता है नान? हमारे नान में आलू होते हैं, स्पेशल तो कुछ नहीं है, आलू होते हैं, जीरा होता है, धनिया होता है, कसूरी मेथी होती है। इतना क्यों पसंद आता है लोगों को आपका नान? मेरा स्टेप को जो आप मैं स्टेपिंग करता ना, ये थोड़ा ज़्यादा भर के करता हूँ। कई लोग आलू कम डालते हैं, मैं बराबर डालता हूँ। मतलब हैवी नान होता है आपका, एक खाएगा तो पेट भर जाएगा। काफ़ी सही बताया। तो हम भी अब हमसे भी रहा नहीं जा रहा, हम भी अपना एक नान लगवा लेते हैं। तो अंकल जी हमारे लिए भी एक नान लगा दो भाई। पेड़े की क्वांटिटी तो आप देख ही सकते हो। ये ऊपर क्या क्या डाल रहे हो आप सारा? ये ऊपर है कस्तूरी मेथी है, जीरा है, अपने धनिया है, तो कलंजी है, अपने ये तिल है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर वहाँ पर बना के रखा हुआ है नान के ऊपर लगाने के लिए। भाई बस हमारा नान लग गया है। तंदूर में दिखने में तो काफ़ी हैवी नान लग रहा है, क्योंकि पेड़े का साइज़ तो काफ़ी बड़ा था यार। तो अब देखते हैं कि सही कह रहे हैं अंकल जी कि पेट भर जाता है एक नान खा के या नहीं। अंकल जी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ नान लगा? यहाँ हो गया मैं कोई कोई 3 साल लगा लो। 3 साल तो मतलब इतना पसंद आता लोगों को? उन लोगों को भी बात है, दिल की बात है उनकी, जहाँ खाना हो वहीं चलते हैं। 30 रुपये रखा है मैंने, 30 रुपये में हैवी नान मिलेगा। तो भाई यहाँ पर हमारे चने लग रहे हैं, चने के साथ प्याज वाली चटनी है। चटनी किस चीज़ की आती है अंकल? चटनी है ये, इमली है, दही है, कूटना है, हरी मिर्च है, प्याज है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की चटनी में भी डाला हुआ है इन्होंने, साथ में प्याज दिया जाता है यहाँ पे। और भी हमारा नान लगेगा तो भाई टेस्ट करके हम भी आपको बताएंगे कि लगता कैसा है हमारा नान। भाई बस हमारा नान लग के रेडी है। नान की शेप साइज़ देख ही सकते हो आप, कलर तो बड़ा ज़बरदस्त है यार। दिखने में तो काफ़ी सही लग रहा है, अब टेस्ट करने में पता चलेगा कि ज़बरदस्त है या नहीं है। मक्खन का पीस आ गया ऊपर से, और ये हमारी यहाँ का सोडी नान वालों का स्पेशल नान लग के रेडी है। टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लगता है। यहाँ पे सोडी नान वालों का स्पेशल नान लग चुका है, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लगता है। ये मक्खन की टिक्की पहले आप देख ही सकते हो कितना बड़ा पीस दिया है मक्खन का इन्होंने एक नान के साथ, और सिर्फ 30 रुपये इसका रेट रहता है। और नान के ऊपर देखो ये जो कसूरी मेथी वगैरह ना कितनी ज़्यादा डाली हुई है, मतलब भाई आलू के अंदर जीरा वगैरह, धनिया शनिया, और ये चिकंदर के पीसेस भी डाले हुए हैं, तो काफ़ी बेटर लगता है चिकंदर के पीसेस नान में। तो मैं ये टेस्ट कर लेता हूँ। टेस्ट करते हैं, पहले हम चने टेस्ट करते हैं खाली। चने तो काफ़ी ज़बरदस्त है, लाइट लाइट है, इतने ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, और टेस्ट भी है यार। और एक जो हमने पहले अमृतसरी नान खाया था सोडी नान किंग पे, उनका वाला भी बटर था और ये भी बढ़िया। तो हम नान का एक बाइट लेते हैं मक्खन वगैरह लगा के अपना इसके साथ। ज़बरदस्त नान है यार, मज़ा आ रहा है मेरे को खा के, क्योंकि साइज़ और शेप देख लो कितनी काफ़ी बड़ी बनाई है। और मक्खन का पीस यार, इतना अगर इतना बड़ा मक्खन का पीस कोई देता होगा तो मुझे आप बताना यार। इनका मुझे सबसे बड़ा पीस लगा अभी तक मक्खन का, और रेट भी सिर्फ 30 रुपये में। एक बार आपको भी यहाँ पे आना चाहिए, नान टेस्ट करना चाहिए, बताना चाहिए कैसा लगता। और चने इनके ज़बरदस्त हैं यार, चने के मसाले जो डाले हैं ना वो बिल्कुल सही है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। आप थोड़ा सा बताओ नान के बारे में। 30 रुपये में आजकल मिलता नहीं, और रिफ़िल भी है काफ़ी, दो बार आप रिफ़िल करवा लो सब्जी। मतलब अगर कम पड़ रही है आपको तो आराम से आप चने ले सकते हो, बिल्कुल देंगे। स्पेशल नान खाने आते हैं, अगर नाश्ता नहीं किया हुआ है तो यही से। आप मेरे को गांधीनगर जाना है तो मैं यहाँ नाश्ता करके आ रहा हूँ। प्राइस कैसे लगता है नान का? प्राइस आजकल 30 रुपये में मिलता क्या आपको? कुलचा आता है तो उससे बेटर आप ये नाश्ता करके चले जाए। एड्रेस क्या रहता है शॉप? एड्रेस हमारा सरवाल चौक चौमू। सरवाल में आप RK पकौड़े वाले की दुकान है ना, उसके ऊपर से आपको दुकान मोड़ में पहले दुकान दिख जाएगी। और टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेके 4 बजे, 4 बजे तक, सुबह 7 बजे से लेके भाई 4 बजे तक। आप कभी भी आओ आपको नान यहाँ मिल जाएगा। भाई मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगा है नान यहाँ पे, एक बार आप भी आओ टेस्ट करो, बताओ कैसा लगा। अगर आपके एरिया में कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई बढ़िया मिलती है, तो हमें कमेंट में बताना, मैं वहाँ पे भी आऊँगा और आपके साथ वीडियो बनाऊँगा। तो मैं ये फिनिश करता हूँ नान, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।